नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे आप सभी। मैं मुकेश कुमार, अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्यारे दोस्तों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज है 20 नवंबर, दिन सोमवार। जैसा कि आप जानते हैं, हर मंडे आते हैं क्रोमा क्विज के 5 क्वेश्चन। तो चलिए आज के क्विज के सही आंसर डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन बटन भी प्रेस करें, जिससे जब भी नई वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट द्वारा अपनी राय अवश्य प्रकट करें वीडियो के बारे में, कि वीडियो के बारे में और अन्य कुछ सहायता चाहिए तो आप उसके बारे में भी हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं, अपना व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर सकते हैं। आप क्रोमा के ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाइए, वहाँ फिर आपको ये ओपन करेंगे तो आपको यह QR कोड दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब रिडायरेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन आ रहा है, पहला सवाल पूछा जा रहा है, विश्व में सबसे अधिक चाय किस देश में उगाई जाती है। तो इस ऑप्शन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा चीन। दूसरा सवाल, किस राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। तो पंजाब को कहा जाता है, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, दूसरे का ऑप्शन बी। आप हमारे साथ रात 9 बजे भी जुड़ सकते हैं किसी प्ले अलोंग राइट आंसर के लिए। तीसरा क्वेश्चन, 1996 में टाइटन कप किस टीम ने जीता। तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर होगा भारत, ऑप्शन ए भारत, इंडिया ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, ये भी सही जवाब साथियों। रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी कार्ल लैंडस्टीनर, ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, सही जवाब साथियों। भारत की पहली 3D एनिमेटेड फिल्म कौन सी है। ऑप्शन सी रोड साइड रोमियो ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, ये भी सही जवाब साथियों। हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।